हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और न्यू ब्लॉग्स में। आज हम बताने वाले हैं आपको, आज धनतेरस है। पहले तो आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस के मतलब पूजा के लिए क्या क्या सामान चाहिए होता है, ये जटावाला नारियल की कलश, अशोक के पत्ते और ये झाड़ू, और घर में जो भी सामान हो, क्योंकि आज भगवान धन्वंतरी की भी पूजा होती है, तो घर में जो भी सामान हो जैसे नींबू, हल्दी की गांठ, तेज़पत्ता, वो चीज़ें भी चाहिए होती हैं। और ये लक्ष्मी गणेश जी का, अगर आपके पास में मूर्ति हो तो मूर्ति ले लो, नहीं तो इसमें के पोस्टर वो ले लो। और कुबेर भगवान का और धन्वंतरी भगवान का जो मूर्ति हो तो आपके पास में फिर तो ठीक है, अगर ना हो तो इसमें के मतलब जो सुपारी होता है उसके मौली बांध के और ऐसे रख दो दीपक में, उसे मान सकते हैं आप। और कुबेर भगवान जी के और धन्वंतरी भगवान जी के जो फूल चढ़ते हैं ना, वो येलो कलर के चढ़ते हैं, इसलिए हम लोग ये गेंदा वाले फूल लेके आए थे। और ये लक्ष्मी पूजन के लिए हम लोग लेके आए थे ये गुलाब वाले फूल, ये देखो गुलाब वाले फूल। और ये देखो पान का पत्ता, और जो भी आप स्वीट्स लेके आओ तो स्वीट्स और फ्रूट्स वगैरह भोग के लिए। और ये मेन दीपक जलता है और आरती भी और धूप बत्ती। और ये देखो जल चुकी है, ये देखो धूप बत्ती और कपूर और ये खील और ये बताशे, ये सामान चाहिए होता है पूजा के लिए। और इसमें हाँ रोली चंदन दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखो इसमें दीपक हैं, ये दीपक मैं अभी शाम को लगाऊंगी। ये देखो इसमें रोली है, चंदन है, कुमकुम है और ये गुलाल है, चावल, दूध, ये सब कुछ भी चढ़ाते हैं। ये सब चीज़ों से ही भगवान जी की पूजा होती है। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना।